वैसे लड़के ना रोते नहीं है, रोना चाहिए। उस दिन हम रोए तो हमें पता चला कि रो के अच्छा लगता है। हाँ, आंखें साफ हो गई, भूख लगाई, एक का तो चश्मा उतर गया। तो टीचर कह रहा है कि यही तो इस देश की विडंबना है, तुम यूथ की प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं रहा। तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है लेकिन तुम्हारा गांजा खराब है। तो हाय गाइस, माय नेम इज अजय शर्मा और मैं इंडिया के सबसे एजुकेटेड स्टेट से हूँ, हरियाणा। हाँ, सब वहाँ PhD करके घूम रहे हैं बकचोदी में। मैं एक बार हरियाणा में शो कर रहा था तो एक लड़की 3 लड़कों के साथ आई थी शो देखने। हरियाणा की सबसे हाई लड़की थी वो और हमारा थोड़ा बजट कम था तो हम खुले एरिया में शो कर रहे थे और ठंड का टाइम था, हमने उन्हें पत्थरों पर बैठा रखा था। तो जैसे जैसे शो आगे बढ़ा पत्थर ठंडा हो गया, लड़की को ठंड लगने लगी। लड़की बीच शो में खड़ी होती है, तीनों लड़कों कह रही है उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी जो मेरी सीट गर्म करेगा। उसके बाद लड़कों ने जो गर्मी दिखाई है ना, हाँ यू रगड़ रगड़ सीट गर्म कर रहे थे। एक ने इतना रगड़ दिया कि पिछवाड़े से धुआं निकला और पत्थर से जिन। बाद में पता चला जिन नहीं था, लड़के को गैस हो रखी थी। तो मैंने उससे इतना पूछ लिया कि मैम आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो उसने चलते शो में फोन निकाला और अपने असली वाले बॉयफ्रेंड को मिला दिया यूपी में। रे बेबी, कोई बोल रहा था ना? अरे ये क्या कि मुझे फोन पकड़ा दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आई ये मैकडी की पैकिंग में कचौरी कहाँ से आ गई। मैंने फोन कान के लगाया, हाँ जी सर, बोला क्या कह रहा था बेबी ने? मैं सर इतना पूछ रहा था कि इनका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? बोला तेरा फूफा है बॉयफ्रेंड। मैं फूफा तो ठीक है, ये बुआ 3 फूफे लेके बैठी है। तो गाइज मुझे देख के लग नहीं रहा, फिर भी बता देता हूँ कि मैंने MBA किया है इंजीनियरिंग कॉलेज से। हाँ, लोग B स्कूल से कर रहे थे, मैंने C स्कूल से कर लिया। तो जो मेरा कॉलेज था ना उसमें हॉस्टल भी था कि दिन में हम कॉलेज में मेहनत कर सकें और जब थक जाए तो हॉस्टल में जाके आराम कर सकें। हम हॉस्टल में दिन रात मेहनत करते थे और जब थक जाते थे तो दिल बहलाने के लिए कॉलेज चले जाते थे। तो एक बार हम क्लास में बैठ के रिलैक्स कर रहे थे तभी एक नोटिस आता है कि कल से एग्ज़ाम है। तो एक लड़का टीचर से पूछ लेता कि सर क्यों लेते हो एग्ज़ाम? कि बेटा एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं ताकि पता चले हम तुम्हें कैसा पढ़ाते हैं। तो कह रहा है तुम दो ना एग्ज़ाम, हमसे क्यों लेते हो? तो कह रहा कि बेटा तुम समझ नहीं रहे, एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं ताकि पता चल सके कि तुम कितने पानी में हो। एक पीछे से कह रहा हम तो पूरे पानी में। बोला कहाँ से बोला ये? कि सर पानी से। बोले था कौन ये मगरमच्छ, थोड़ा पानी से बाहर आना। मुझसे पूछ रहा तू था क्या? कि नहीं सर, मैं तो डॉल्फिन हूँ। क्या हॉस्टल में जाओ और पढ़ाई करो। अब हम लास्ट डे हॉस्टल में जाके पढ़ रहे तो कुछ याद नहीं हो रहा। तो वैसे कॉलेज में ना कोर्स के नाम ही अलग होते हैं, पढ़ाई सब में सेम ही है। तुम्हें लास्ट डे पढ़ना है और पास हो जाना है। और हम तो लास्ट डे पढ़ के पास नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हम लास्ट डे पढ़ रहे थे, कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। तो ग्रुप में एक लड़का नहीं होता साइंटिस्ट, मतलब दुनिया में जितनी भी इनोवेशन होगी ना ग्रुप में यही लेके आएगा। कह रहा है कि ऐसी दवाई पिलाऊंगा जिसे पी के ना सब याद हो जाएगा। ये बहन जो दारू निकाल लेता है। कह रहा जब इसे पी के मुझे 10 साल पुरानी बंदी याद आ सकती है। तो तुम्हें ये रात के बड़े सवाल नहीं आएंगे क्या? मैं बात तो ठीक है, लेकिन हम में से ना बहुत सारे लोग पहली बार पी रहे थे और पहली बार पीने का क्या होता है कि रोज पीने वाले को ना दूसरा पैक हिट करता है, लेकिन जो पहली बार पीता है ना उसे वरदान होता है, शुरू में कुछ नहीं होगा।
छह पैक तक हमें कुछ हो ही नहीं रहा। मैं क्या पिला रहा है ये, कुछ हो ही नहीं रहा। मैं रोज इसी को पी के बकचोदी करता है क्या, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। हमें लग रहा है कि हम सॉलिड है, दारू भुद्दू है। छह पैक तक हमारा यही सीन चल रहा है, लेकिन जैसे ही सातवां पैक बनाया, दारू ने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ, सातवां पैक देख के मेरे चूतड़ सीधे जमीन में लगे हैं। कह रहा हाँ अब क्या हुआ, मैं बेंचो ग्रेविटी। थोड़ी देर में एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी खुद की ठुमकी जमीन पे बजी है। क्या दारू में ग्रेविटी तो है यार। थोड़ी देर में ग्रेविटी इतनी बढ़ गई कि अगला पैक सबने जमीन पे बैठ के लिया है। अब दारू ने जो असर दिखाया ना, अब लौंडे रेंग के चल रहे हैं, पौधों पे मूत रहे हैं, मूत के पेचे लगा रहे हैं और पेचे में हार भी रहे हैं, क्योंकि जिससे लगा रहे ना वो बियर पी के आया। हाँ, पेचे में किसी का बाप नहीं रह सकता, उसको बियर पीने का जो मजा है ना वो पी के मूतने में। हाँ, पी दो बोतल रहे, मूत चार बोतल रहे। पूरी रात यूं ही बकचोदी करते रहे और ऐसे नशे नशे में सुबह एग्जाम देने चले गए। जैसे क्लास में पहुंचे, टीचर ने हमको देख के हमसे ही पूछ लिया, बोला आ गए, बोला ना हम तो रास्ते में हैं, जाम में फंसे हैं, 15 मिनट बाद पहुंचेंगे। टीचर समझ जाता है इनका सीन सेट है, बोले जाओ एग्जाम दो। एक लड़का तो पेन भी नहीं लेके जाता, कह रहा अब लिखना ही क्यों है। और एक लड़का ये क्या करता, आंसर सीट पे उल्टी कर देता है। तो टीचर कह रहा मैप का क्वेश्चन तो नहीं आया था, तू कहां के नक्शे बना रहा है। टीचर ने मुझे देखा, मैं खुद नींबू चाट रहा था, मेरा खुद का मूड ऐसे था। इतने में ना टॉपर होता है, जो क्लास का टॉपर, वो ना एक्स्ट्रा सीट मांग लेता है। तो ये भी मांग लेता, सर मुझे भी दे दो एक्स्ट्रा। कि बेटा ऐसे नहीं भरनी होती, तुझे नहीं मिलेगी। तो ये सुन के ना उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि मुझे कैसे मना किया। उसकी ईगो को देख के हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, हमारे दोस्त को कैसे मना किया। लौंडो में होता नहीं कुछ ईगो करने लायक, लेकिन हर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। सारे आंसर सीट लेके पहुंच जाते हैं कि अब तो कल आएंगे एक्स्ट्रा सीट लेने, टॉप करेंगे, और वापस हॉस्टल में चले जाते हैं। 5 मिनट पहले चैलेंज दे के आए थे, हॉस्टल में जाते ही सारे लौंडे सो जाते हैं। लेकिन चिंटा नहीं सोया था। ये वो लड़का था जो ग्रुप में, एक लड़का नहीं होता जो यारों का यार होता है, मतलब ग्रुप में कोई भी प्रॉब्लम हो सब इसके पास सोल्यूशन होता है, सबके मजे लेगा, सबको नाराज भी कर देगा, लेकिन किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी ना सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तो लड़के उठे तो देखा ये अकेला इमोशनल होके बैठा है, इसके आंखों में आंसू थे। कह रहा है कि यार बचपन से है ना जो सपने देखे थे वो कॉलेज में पूरे करने आया था, सारे सपने टूट गए, मेरे छोड़ो माँ बाप के सपने टूट गए। इसकी माँ का सपना था कि ये किसी एक सब्जेक्ट में टॉप करे, बाप दिन गिन रहा था कि कब ये जॉब लगे तो मैं जॉब छोड़ूं। कह रहा कि अब कितना झूठ बोल के हम घर से पैसा लेंगे, वो भी पढ़ाई के नाम का। इसकी आंखों में आंसू थे और इन आंसू को देखकर ना बाकी लड़कों की आंखों में आंसू आ गया, सब लड़के रो रहे। वैसे लड़के ना रोते नहीं है, रोना चाहिए। उस दिन हम रोए तो हमें पता चला कि रो के अच्छा लगता है। हाँ, आंखें साफ हो गई, भूख लगाई, एक का तो चश्मा उतर गया। अब सारे लौंडे कह रहे हैं हमें टॉप करना है, हमें भी एक सब्जेक्ट में टॉप करना है। और टॉप करने के लिए जो भी चाहिए था ना सब था हमारे पास, हमारे पास बुक्स थी, नोट्स थे, प्रोफेसर भी थे, बस टाइम नहीं था। तो टाइम बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट ने गांजा निकाला। जैसे ही जलाया समय रुक गया, हमने थोड़ा फूका, जैसे ही हमने फूका बेंचो हम 2 दिन पीछे चले गए। अब जो लड़के टाइम मांग रहे थे वो टाइम पास कर रहे हैं। एक ने तो गर्ल्स हॉस्टल में फोन मिला लिया, लड़कियों कह रहा मुझसे बात करोगी, मैं फ्यूचर से आया हूं।
बोली कौन सी सेंचुरी से आया? बोला बोला दो दिन पहले से। बोले पागल है क्या, फोन रख। अब सारे लड़के यूं ही टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन चिंटा सीरियस होके पढ़ रहा है। कह रहा है कि यार बहुत मोटी बुक है यार, माँ ने कुछ मुश्किल ही सपना देख लिया, दो दिन में तो नहीं हो पाएगा। तो साइंटिस्ट क्या, थोड़ा और भूख लेते हैं। जैसे हमने भूखा, हम बैठ जो चार दिन पीछे चले गए। हाँ, अब लौंडों को इतना टाइम मिल गया, एक ग्रुप तो घूमने गोवा निकल गया। एक PhD करने लगा और एक बाबा बन गया। हाँ, सिगरेट की राख की बबूती बना के। उसे यू माथे पे लगा के, कंधे पे छिपकली बैठा के पूरे हॉस्टल में नंगा घूम रहा है, जूनियर्स के गेट बजा रहा है। बोला आओ तुम्हें गुफा में ले चलूं। और एक लड़का, ये अकेला ही फूके जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, फूके जा रहा है। इसने इतना फूक लिया, ये पिछले सेमेस्टर में पहुंच गया और वहां भी एग्जाम हो रहे थे। अब ये जूनियर्स की बुक लेके घूम रहा है। बोला बहुत हार्ड सिलेबस है यार, और रुक ही नहीं रहा, फूके जा रहा है, फूके जा रहा है। मैं बहन जी इसको रोको, ये कहीं माँ के पेट में ना पहुंच जाए। साइंटिस्ट कह रहा माँ के पेट में तो ठीक है, ये बाप का स्पर्म ना बन जाए। और लड़के पूरी रात यूं ही करके सो गए। ये बहन जो ट्यूजडे से तो नहीं आए हुए। अबे रुक जाओ, और जोक्स भी हैं। तो लड़के सब सो गए ऐसे। सुबह एग्जाम से पहले, एक घंटे पहले, साइंटिस्ट सबको उठा रहा है। कोई गोवा से वापस आ रहा है, कोई PhD छोड़ के आ रहा है। तो साइंटिस्ट कह रहा है देखो अब है ना, एक घंटा बचा है, अब हमारे एग्जाम है ना 5 क्वेश्चन आने, अब हम कोई भी 5 आंसर याद कर लेंगे, अब हमें मतलब नहीं सवाल से, हम यही लिख के आएंगे। तो चिंटा पूछा पास हो जाएंगे? बोला पास हो जाएंगे, एग्जाम की मंजी ठोक देंगे। अब लौंडों को समझ नहीं आ रहा मंजी ठोक देंगे क्या होता है, उन्हें लग रहा है ये किसी माँ की गाली का फैमिली वर्जन है। क्या बिल्कुल ठोक देंगे? और लौंडे फुल उस दिन कॉन्फिडेंस में, फुल कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने गए। एक तो इतना कॉन्फिडेंस में था कि उसने जाके ओम भी नहीं लिखा, लिख रहा है मंजी ठोक देंगे। और चिंटा ये तो ना क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही लिखना शुरू कर दिया, ये देख के मैं जो टीचर की फटकी, पेपर लीक तो नहीं हो गया? टीचर जाके उसके पास सवाल मिला रहा है कि बेटा इसमें तो एक भी सवाल नहीं आ रहा है। तो कह रहा है सर जब हम सवाल से जवाब निकाल सकते हैं तो आप तो हमारे गुरु हो, जवाब का सवाल ढूंढ लोगे। कि बेटा जवाब घर से लाने होते हैं, सवाल नहीं लेके आने होते, वो हम देते हैं। कि तुम्हारे सारे जवाब गलत है, तुम सीट बदलो। कह रहा सर हमारे सारे जवाब सही हैं, आपके सवाल गलत है, आप पेपर बदलो। और एक लड़का, ये ना इसकी भी चीटिंग ले आता है, 5 क्वेश्चन घर से अपनी मर्जी के करके लाने थे, इसकी भी चीटिंग ले आया। टीचर ने देख भी लिया इसको, लेकिन टीचर कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि जो लिख रहा है ना पेपर में आया ही नहीं है। लेकिन टीचर को हमारी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, टीचर को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। कह रहा है बेटा खड़े हो तुम, खड़े हो, खड़े हो तुम लोग। तो टीचर कह रहा है कि यही तो इस देश की विडंबना है, तुम यूथ की प्रॉब्लम कोई समझ ही नहीं रहा। तुम्हारे पास दिमाग अच्छा है लेकिन तुम्हारा गांजा खराब है। साइंटिस्ट खड़ा होकर पूछ रहा क्या करना है सर? बोला तुम डीलर बदलो। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आता है, तो साइंटिस्ट रिजल्ट लेके बैठा होता है, गंदा सा मुंह बना रखा। मैं क्या हुआ?
बोला सारे लड़के फेल हो गए। मैं बहन जो ठुक गई मंजी। लेकिन साइंटिस्ट ने टॉप किया। मैं तूने कैसे किया? कि मुझे लग रहा है कि जिसने पेपर चेक किया था ना उसका भी गांजा खराब था। क्या कैंपस में डीलर तो सेम ही है? तो ये सुन के ना जो असली टॉपर था उसने रंडी रोना शुरू कर दिया। क्या साइंटिस्ट को भी फेल करो, नहीं तो मैं फैन के लटक के सुसाइड कर लूंगा। ये सुन के पूरा कॉलेज टेंशन में आ गया। सारे टीचर सारे बच्चे सब टेंशन में आ गए, सब उसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो वार्डन आया हमारे पास कि तुम भी कुछ करो। फिर क्या, उस रात हम उसके पास दारू लेके जाते हैं। मैं सुसाइड करेगा बोला हाँ। मैं बोला अल्लाह दारू पी, दारू पिलाते हैं। मैं अब भी करेगा बोला हाँ। मेरे को और पी। मैं अब भी करेगा बोला हाँ। करने के लिए खड़ा होता है लेकिन वो पहली बार पीता है। और तुम्हें पता है जब कोई पहली बार पीता है तो क्या होता है? ग्रेविटी काम करती है, नीचे जाके लगती है। क्या बहन जो क्या पिला दिया ये? और अब भी नीचे पड़ा पड़ा फैन की तरफ देख रहा है। मैं ये ऐसे नहीं मानेगा। फिर क्या, उसकी सुसाइड रोकने के लिए उस रात हमने उसके रूम का फैन ही उतार लिया। मैं अब लटक के दिखा। उसके बाद हम अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसके रूम में आके देख रहा हूँ तो उसके रूम में शांति होती है और उसके गली में ना रस्सी बंधी होती है और उसका दूसरा हिस्सा टेबल फैन के बांध रखा है और मस्त बांध के सो रहा है। इसने करवट बदली, टेबल फैन नीचे गिर गया, उसकी गर्दन लटक गई। देखो गाइज, ये स्टोरी बहुत पुरानी है। अब सारे लड़के सेटल हो गए हैं। हाँ, साइंटिस्ट असली में साइंटिस्ट बन गया, लेकिन जो चिंटा की माँ है वो अब भी सपने देख रही है। हाँ, और उसका नया सपना है कि उसका बेटा बहुत बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बने। अजय शर्मा चिंटा तुम्हारे सामने खड़ा है।